आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि कार्टून छपते हैं। कभी आप देखते हैं कि राजनीति पर कार्टून छपते रहते हैं, कभी हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, या हमारे देश के जो भी नेता हैं, जो भ्रष्ट नेता होते हैं, उनके भी कार्टून छपते रहते हैं। और जो ये कार्टून बनाते हैं उन लोगों को आप लोग कार्टूनिस्ट कह देते हैं। और इसी तरह के एक कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण। और आपको बता दूं कि आर के लक्ष्मण वही आर के लक्ष्मण है जो 1975 से 77 के बीच जो राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था उस पर इन्होंने एक कार्टून बनाया हुआ था। उस कार्टून बनाने के बाद ये इंदिरा गांधी से मिलते हैं और इंदिरा गांधी की आलोचना करते हैं, और इंदिरा गांधी से कहते हैं, प्रधानमंत्री से उस समय की, कहते हैं कि जो आप ये फैसला ले रही हैं, ये जो कर रही हैं आप लोग, ये गलत है। और आज के समय के लोगों को उठा के देख लीजिए, आप लोग पत्रकारों को देख लीजिए, या फिर इस तरह की कार्टूनिस्ट को देख लीजिए, आलोचकों को देख लीजिए, किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या इस तरह के नेताओं की आलोचना भी नहीं करते हैं। वो गलत फैसले लेते हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और अगर कोई आलोचना करता है, उनके उनके फैसले को गलत ठहराता है, तो आप देखते होंगे कि उसकी सजा भी उन्हें मिल जाती है। और आज देखिए हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसे आप लोग मीडिया कहते हैं, उसकी क्या हालत हो चुकी है। जो सच आवाज उठाते हैं उनकी उनकी जगह आजकल जेलों में है। आपको कई जेल में देखने को पत्रकार मिल जाएंगे, कई पत्रकारों की जो आवाज उठाते थे, सच्चाई दिखाते थे, जो पत्रकारिता की कर्तव्य निभाते थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो आज हम लोग आर के लक्ष्मण के बारे में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है? और आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये कौन है? आर के लक्ष्मण है। अगर हम लोग इनके ना जन्म की बात करें तो 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म होता है। यानी कि जिस समय इनका जन्म होता है भारत में, उस समय अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर। देखिए कर्नाटक आपको ये देखने को मिल जाएगा, और इसकी राजधानी बेंगलोर है। इससे लगे राज्यों की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, और यहाँ आप देखेंगे अरब सागर है, ठीक है? तो ये कर्नाटक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग आर के लक्ष्मण के पूरे नाम की बात करें, इनका पूरा नाम क्या है, तो रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण इनका नाम है। और इनके पिता स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, यानी कि शिक्षक थे। और एक नाम और आप लोगों ने सुना होगा, आर के नारायण सुना होगा, इनके बड़े भाई हैं, जो गाइड जैसे मशहूर उपन्यास की रचना की थी आर के नारायण ने, इनके बड़े भाई ने। और लक्ष्मण का पहला विवाह भरतनाट्यम नर्तकी और फिल्म अभिनेत्री कुमारी कमला लक्ष्मण के साथ हुआ था। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो दो शादियां हुई थी इनकी। पहली पत्नी कुमारी कमला लक्ष्मण थी, जो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भरतनाट्यम नर्तकी और फिल्म अभिनेत्री थी। और कुमारी कमला ने अपना फिल्म करियर बाल कलाकार के रूप में आरंभ किया था, और उनके उनका कुछ समय के बाद तलाक हो जाता है, और फिर उनकी कोई संतान भी नहीं थी पहली पत्नी से। और आप देखेंगे दूसरा विवाह ही होता है, और दूसरी पत्नी का नाम भी कमला लक्ष्मण ही था। और वो आपको बता दूं, इनकी दूसरी पत्नी एक लेखिका थी। क्या थी? लेखिका, और बाल पुस्तक लेखिका थी। और लक्ष्मण ने द स्टार आई नेवर मेट का नामक कार्टून श्रृंखला और फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर में अपनी दूसरी पत्नी कमला लक्ष्मण का द स्टार आई ओनली मेट शीर्षक से कार्टून चित्रित किया था। और इन दोनों के एक पुत्र भी है, ठीक है? तो इनका ये पारिवारिक जीवन हो गया, किनका? आर के लक्ष्मण साहब का। अगर हम लोग आर के लक्ष्मण साहब की शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो आर के लक्ष्मण ने अपनी शुरुआती सर जमशेदपुर जे भोए स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ली, और इसके बाद उन्होंने महाराजा कॉलेज मैसूर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। और बीए के बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए फ्रीलांस कलाकार के रूप में स्वराज अखबार के लिए कार्टून बनाना शुरू किए, और जिससे उन्हें एक बहुत ख्याति भी, यानी कि प्रसिद्धि मिली। और साथ ही में एनिमेटेड फिल्मों में भी लक्ष्मण ने मित किए पात्र, यानी कि नारद का चिंतांकन भी किया हुआ है। आप लोग न्यूज़पेपर उठाइए, कोई भी न्यूज़पेपर, उसमें आप लोग कार्टून जरूर देखते होंगे।
उसके नीचे आप देखिए कार्टून बनाने वाले का नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इनके करियर की बात करें तो आर के लक्ष्मण का प्रारंभिक कार्य स्वराज और विलेट्स नामक पत्रिकाओं से के साथ समाचारों पत्रों में रहा और उन्होंने मैसूर महाराजा महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान अपने बड़े भाई आर के नारायण की कहानियों को द हिंदू में चित्रित करना आरंभ कर दिया तथा स्थानीय तथा स्वतंत्र के लिए राजनीतिक कार्टून लिखना आरंभ कर दिया और लक्ष्मण कन्नड़ हस्त पत्रिका कुरमबंजी में भी कार्टून लिखने का काम करते थे और यह पत्रिका 1942 में डॉक्टर एम शिवरम ने की स्थापित की थी और इस पत्रिका के संस्थापक एलोपैथिक चिकित्सक थे तथा बेंगलोर के राष्ट्रीय क्षेत्र में रहते थे और उन्होंने यह मासिक पत्रिका विनोदी व्यंगलेख और कार्टून के लिए समर्पित की थी और शिवरम अपने आप में विख्यात कन्नड़ हास रस लेखक थे और उन्होंने लक्ष्मण को भी प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ शुरुआत में ये आर के लक्ष्मण काम करते हैं। फिर आर के लक्ष्मण ने मद्रास के जेमिनी स्टूडियोज में ग्रीष्मकालीन रोजगार आरंभ कर दिया और उनका प्रथम पूर्णकालिक व्यवसाय मुंबई की द फ्री प्रेस जर्नल के राजनीतिक कार्टून कार के रूप में की इन्होंने और इस पत्रिका में बाल ठाकरे उनके साथी कार्टून कार थे। बाल ठाकरे आप सभी जानते होंगे कि बिना चुनाव लड़े एक लंबे समय तक मुंबई में उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने राज किया हुआ है। एक समय ये भी रहा है कि वो जिसे चाहते थे उसे मुख्यमंत्री बना देते थे, एक तरह से उनका कद एक समय मुख्यमंत्री से ऊपर समझाना आने लगा था। लक्ष्मण ने द टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे से जुड़ गए थे और उसमें लगभग 50 वर्षों तक उन्होंने काम किया। उनका कॉमन मैन चरित्र प्रजातंत्र के साक्षी के रूप में चित्रित हुआ और इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई थी, द एलोक्वेंट ब्रश, द मैसेंजर, होटल रिवियेरा, सर्वेंट ऑफ इंडिया, टनल टू टाइम इनकी आत्मकथा है और द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज ये भी इनकी पुस्तक का नाम है। और आप सभी जानते हैं कि जब कुछ आप काम करोगे और अच्छा काम करोगे और निर्भीक होकर आप काम करोगे तो पुरस्कार मिलना स्वाभाविक सी बात होती है। तो पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा गया, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया, रेमन मैक्सेस पुरस्कार से भी नवाजा गया, बी डी ग्वेंका पुरस्कार से भी इन्हें एक तरह से पुरस्कार दिया गया था और दुर्गा रतन स्वर्ण पदक भी इन्हें मिला था। अंतिम समय की बात आती है यानी कि इनकी मौत की, तो आपको बता दूं कि आर के लक्ष्मण का 26 जनवरी 2015 को 94 वर्ष की उम्र में पुणे में इनका निधन हो गया था। यानी कि 26 जनवरी 2015 को इनकी पुणे में मौत हो गई थी। ठीक है, तो एक सामान्य जानकारी आर के लक्ष्मण के बारे में, जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण है। और जब हम लोग देश के पत्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं तो एक कार्टून का भी, कार्टूनिस्ट का भी नाम आया तो मुझे लगा कि इनके बारे में बता देना चाहिए। ठीक है,